वहीं बीकानेर में आज वन विभाग की ओर से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जहां पर जोहर बीड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में आयोजित हुए इस बर्ड फेस्टिवल में देशी विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को अपनी तस्वीरों में अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि बीकानेर से 12 किलोमीटर दूर इस रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों सात समंदर पार से आने वाले विदेशी पक्षियों के लिए महफूज स्थान बना हुआ है। वहीं अक्टूबर से फरवरी तक बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी यहां आते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि इन पक्षियों के संरक्षण और इनकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वन विभाग की ओर से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे पर्यटकों के साथ ही यहाँ के लोग भी काफी पसंद करते हैं, इससे काफी ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ये बहुत कम ऐसे एफर्ट्स में से है वन विभाग के जिनमें वास्तव में बर्ड्स का, पर्टिकुलरली रैप्टर्स या गिद्ध और चीलों का कंजर्वेशन हुआ है। कंजर्वेशन के एफर्ट्स यहाँ किए गए और जिस तरह से एक हैबिटेट उपलब्ध करवाया गया इनके लिए। ये हमारा जो बीकानेर से 12 किलोमीटर दूरी पे जोहर बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें विशेष तौर से वल्चर की विभिन्न प्रजाति यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इसमें अपना ये जो ईगल और वल्चर की विभिन्न प्रजाति के हजारों पक्षी मौजूद हैं। पंछी, नदियाँ, पवन, हवा के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। जी हाँ, बीकानेर में भी सात समंदर पार से बड़ी संख्या में ये दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आते हैं। इन पक्षियों की जानकारी के उद्देश्य से ही आज बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों ने पहुंचकर इन पक्षियों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। उद्देश्य भी यही था कि आमजन इन पक्षियों के बारे में जानकारी ले और इनकी दिनचर्या के बारे में जाने। संजय पारीख, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। और चलिए